नमस्कार, मैं वेदिका और आप देख रहे हैं राष्ट्र हिंदी न्यूज, जहां बिजली का मामला सामने आया। जोधपुर से बकरा मंडी निवासी घर में सफाई का कार्य करता था, उसने जलापूर्ति के लिए घरेलू कनेक्शन ले रखा था। जलदाय विभाग क्षेत्र में पानी के बिल वितरित करने का ठेका एक फर्म को दे रखा है। आपको बता दें, इस फर्म की तरफ से महिपाल सिंह बिल वितरित करता है। आइए सुनते इस पूरे मामले पर एसीबी डॉक्टर दुर्ग सिंह राजपुरोहित ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। जो पैसे का वो पानी का बिल लेके वितरण करने आते हैं, वो महिपाल नाम का एक व्यक्ति है, जो कि जब भी बिल देने आता है तो वो एक ही चीज़ कहता है कि हम तुम्हारे कॉमर्शियल बिल जारी कर देंगे, नहीं तो तुम 500 रुपये दो। ऐसे वो एक प्रकार से उन्होंने बंदी बांध रखी है वहाँ पर, क्योंकि बकरा मंडी में सारे इलाके में रंगाई छपाई का कार्य चलता है, तो डोमेस्टिक बिल होते हैं, उस डोमेस्टिक बिल को कॉमर्शियल नहीं करते, इसलिए वितरण वाली जो कंपनी एक लाइफलाइन है, उस कंपनी के ठेके में यहाँ एक सुरेश नाम का ठेकेदार है, जिसने यहाँ लड़के लगा रखे हैं जो पानी का बिल वितरण करते हैं। तो ये प्रति कनेक्शन पे 500 रुपये की बंदी मांगते हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, आरोपी को धमकाया कि क्यों घरेलू कनेक्शन होने के बावजूद वो व्यवसाय का कार्य कर रहा है, ऐसे में उस पर भारी पेनाल्टी लगाई जाएगी, साथ ही उसके रिश्तेदारों पर भी पेनाल्टी लगाई जाएगी। महिपाल ने उसके रिश्तेदारों सहित घरेलू कनेक्शन को काट कर इस व्यवस्था को बदलने के लिए 3000 रुपयों की मांग की। जब परिवादी के घर पर रिश्वत लेने पहुंचा वो, तो वहां पहले से ही तैयार टीम ने उसे पकड़ा और उसके जेब से रंग लगे 3000 रुपए के नोट बरामद हुए। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों और अपडेट के लिए देखते रहें राष्ट्र हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।